कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि 6 महीने में 21 करोड़ रुपए कमाए एक वेजिटेबल सेलर ने, यानी सब्जी बेचने वाले ने 21 करोड़ रुपए कमाए 6 महीने में। थोड़ा सा बुरा लगेगा अगर आपकी इनकम इससे कम हो ऑब्वियसली, और अगर वो कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी बने तो प्राउड फील भी होगा, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा धक्का तो लगेगा, भाई 6 महीने में 21 करोड़ रुपए कमा लिए। बट इस बात को इंस्पिरेशनल स्टोरी से हटके एक और नजरिए से आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, और इस नजरिए को आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये 21 करोड़ रुपए किस तरीके से कमाए गए। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हम टैग भी ना देखें, मॉल में जाएं तो टैग भी ना देखें और जो मन करे वो पसंद करके उठा लें। हमें चाहिए हमारी ऐश आराम की जिंदगी नौकर चाकर, बट कुछ लोग इसमें झोल झाल कर जाते हैं। झोल झाल का मतलब इलीगल एक्टिविटी कर जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एंड तक समझते हैं ये इलीगल एक्टिविटी क्या थी, और ऐसी एक्टिविटी आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये सब वीडियोस लेके आता हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें और इसको सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों तक शेयर करके दूसरों को भी बचाने का मेरे साथ सहयोग करें। तो चलिए जानते हैं इस पर्सन ने किस तरीके से 6 महीने में 21 करोड़ कमाए और अब ये फाइनली अरेस्ट हो चुका है पर्सन। ये गुड़गांव बेस्ड एक वेजिटेबल सेलर है जिसका नाम है ऋषभ। मात्र 27 साल का इंसान है। लॉकडाउन के टाइम यानी कोविड के टाइम, जो पेंडेमिक अभी आया था 2020 के आसपास, उसमें ये सब्जी बेचा करता था गुड़गांव में। अचानक से वो जो वेजिटेबल सेलिंग का काम था उसका बंद हो गया, यानी कहें उसका जो छोटा सा धंधा था, बिजनेस था, वो बंद हो गया। और उसके बाद उसको समझ नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि रोजी रोटी जिंदगी तो चलानी ही है ना आगे। तो उसने अपने कोई एक पुराने फ्रेंड को फोन किया, उससे अपने हाल चाल बांटा और उसके बाद उससे कहा कि कुछ मुझे भी रास्ता दिखाया, मेरे पास अभी काम नहीं है। तो उसने उसे किसी एक एक्टिविटी में लगाया। पता नहीं अभी तक ये इंफॉर्मेशन तो बाहर नहीं आई पुलिस के थ्रू कि वो जानता था नहीं जानता था कि वो किस काम में इन्वॉल्व होने जा रहा है, बट उसका जो फ्रेंड था वो करता था ऑनलाइन स्कैम के कुछ पार्ट में, ऑनलाइन स्कैम्स करता था। और उस फ्रेंड के कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्शंस थे, चाइना में, हांगकांग में, दुबई में, काफी सारे प्लेसेस में इंटरनेशनल कनेक्शंस थे, जिसके थ्रू वो अपने हवाला, क्रिप्टो करेंसी, इन सब के थ्रू पेमेंट्स को बाहर भेजता था। उनसे उनका एक तरह से एजेंट था जो वहां से बाहर से इलीगल एक्टिविटीज करते हैं इंडिया में। अब इसको एक काम दिया गया, इसको कहा गया, एक डेटाबेस दिया गया फोन का और कहा गया तेरे को इन नंबरों पे कॉल करनी है और वर्क फ्रॉम होम बेचना है, यानी वर्क फ्रॉम होम का तुझे उनको कन्विंस करना है काम करने के लिए। उसने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। अब लास्ट जो विक्टिम था वो एक बिजनेसमैन था, सॉरी बिजनेसमैन है, उत्तराखंड देहरादून से। वहां पे उसके साथ उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब वो इंटरेस्टेड होता है, वो जो भी उसका डिस्कशन रहता है कॉल पे, व्हाट्सएप पे, तो उसने कहा ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं काम करूंगा। तो वो कहता है कि मेरी एक कलीग है सोनिया नाम से, वो आपको अप्रोच करेंगी, आपको कॉल करेंगी, वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगी। अब सोनिया जो कॉल करती हैं, इनको ये कहा जाता है कि आपको मैरियट बॉनवॉय करके एक होटल्स हैं, हम उनके पार्ट हैं, हम उनके ही एम्प्लॉय वगैरह हैं, और हम आपको आपसे उनकी वेबसाइट पे कुछ रिव्यूज लिखवाएंगे, गेस्ट के रिव्यूज को आपको रिप्लाई करने होंगे, आपको उस होटल के बारे में रिव्यूज लिखने होंगे, पॉजिटिव रिव्यूज लिखने होंगे, ये सब उनकी इंफॉर्मेशन देनी होगी वगैरह वगैरह, एक तरह से ऑनलाइन एंट्री टाइप काम था। तो वो इंटरेस्टेड हो गया। इनिशियली उससे फेक वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर कराया गया और वो वेबसाइट वगैरह उस पर्सन ने जो अपनी तरफ से रिसर्च करी होगी वो उसको जेन्युइन लगी, उसको लगा बहुत बढ़िया वेबसाइट है, ऑल सही, सब कुछ अच्छा स्टेटस है। अब उसके बाद अचानक क्या होता है, उससे 10,000 रुपये मांगे जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपको हमारी वेबसाइट में, हमारे होटल में, आपको प्रॉफिट शेयरिंग में आपको पार्ट किया जाएगा। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा इन रिव्यूज का या और भी सब चीज़ों का, अमाउंट का, जो भी वेबसाइट पे होगा डेवलप, आपको जो होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा। तो इनिशियली 10,000 उससे लिए जाते हैं
और कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके एक आध महीने के आसपास ये उनसे 20 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। और ये स्टोरी कम से कम स्टार्ट होती है 4 अक्टूबर के आसपास। 8 अक्टूबर के आसपास वो पर्सन साइबर कंप्लेन डालता है। अब आप ये मानो 10 स्टेट्स में वो कहीं ना कहीं ऐसी इलीगल एक्टिविटी को मिलके कर चुके हैं, जो ऋषभ, सोनिया या उनका फ्रेंड हो, और वहां से वो कम से कम 21 करोड़ रुपए आठ चुके हैं। अब आप ये जानो, जितने भी लोग अभी तक थे, विक्टिम्स थे, कम से कम 855 विक्टिम्स की बात सामने आ रही है, ये ऋषभ पकड़े क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि किसी ने साइबर कंप्लेन नहीं डाली। अब साइबर कंप्लेन ना डालने के रीजन हो सकते हैं शर्म, डर, प्रोसेस का ना समझ होना, कई सारे कारण हो सकते हैं। बट जो ये बिजनेसमैन है, जो देहरादून से है, इन्होंने हिम्मत करी, पुलिस को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ है, मेरे 20 लाख रुपए गए हैं समथिंग। तो जब पुलिस ने वो छानबीन करी, और छानबीन किस बेसिस पे करी, जो अकाउंट यूज करता था ऋषभ उसको ट्रेस किया गया, और वो अकाउंट निकले गुड़गांव साइड के। किसी तरीके से पुलिस वहां पे पहुंची, ऋषभ को अरेस्ट किया और उससे पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पूछताछ की कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसका मॉडस ऑपरेंडी है। तो ऋषभ ने ये सारी बातें बताई कि लॉकडाउन में उसका काम खत्म हुआ, फिर वो पुराने फ्रेंड से मिला, फिर उसने इंटरनेशनल ये पूरे टाइप करवाया, ये सब चीज करी। और ये लोग जो पैसा बाहर ट्रांसफर करते थे, हवाला क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे करते थे, चाइना, हांगकांग, दुबई या और भी किसी कंट्रीज में, और कुछ कमीशन इनको मिलता था वहां पे। बेसिकली उसके अकाउंट में जब इतना सारा पैसा देखा पुलिस ने, तो उनको भी डाउट हुआ कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कनेक्शंस तो है। तो ऋषभ को फाइनली पकड़ा गया और उससे सारी कहानी ली गई, समझी गई, और अब उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर्पस ये है इस वीडियो का आपको समझाने के लिए कि अगर आपको भी कोई कॉल आती है ना, आज के टाइम में हर कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, पैसे कमाने के पीछे इतना हमें ब्लाइंड, हमें अंधा नहीं होना चाहिए कि हम पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ना कर सकें जब तक हम प्रॉपरली उसको डीप रिसर्च ना कर लें। हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सिर्फ एक वेबसाइट देखने से आप बिजनेस को जज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई प्रॉपरली कंपनी है तो ये भी तो हम चेक कर सकते हैं कि वो MCA के ऊपर रजिस्टर्ड है कि नहीं। MCA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये हमारे भारत की एक मिनिस्ट्री है जो आपको ऑथोराइज करती है कि जो आपकी कंपनी है वो इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो इंडिया के कॉरपोरेट कानून में आती है, दायरे में आती है कि नहीं आती। अब वहां पे जा सकते हैं, मगर लोगों को MCA की नॉलेज तक नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वहीं खड़ी हो जाती है। एक किसी एड्रेस पे अगर कोई कंपनी होगी, हो सकता है कुछ दिन के बाद आप वहां पे जाएं तो वहां पे दूसरी कंपनी मिले। और वो इसलिए क्योंकि हम प्रॉपरली, हम चाहे जॉब के लिए जाएं, वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं, या हम प्रॉपरली कोई फिजिकल इंटरव्यू देने जाएं, हम उसकी रिसर्च नहीं करते। हम किसी ना किसी ऐप पे देख लेंगे, इधर देख लेंगे, उधर देख लेंगे, बट जो भारत सरकार ने हमें एक वेबसाइट दी हुई है, हम उस पर क्यों नहीं कंपनीज को रिसर्च करते? उसके बेसिस पे उसकी कंप्लेंट्स है, नहीं, सब डेटा आपको, मास्टर डेटा, LLP, प्राइवेट, सब कुछ अवेलेबल मिलता है। थोड़ा सा रिसर्च करना हमें सीखना होगा। और इसीलिए जिस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन स्कैम्स किए, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स दिए, यूट्यूब पे लाइक स्कैम दिए, सब्सक्राइब करने के स्कैम्स इन्होंने क्रिएट किए, जो उसका हिस्ट्री पूरी ऋषभ की निकाली गई, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और आपसे आशा करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे और दूसरों को भी बचाने में मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।